वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। तीन मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है उसने अपॉइंट किया है मनु भाकर को एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देयर मिनिस्ट्री। मनु भाकर जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड भी सेट किया है, एक लौती ऐसी एथलीट हैं इंडिया की जिन्होंने एक एडिशन में दो मेडल हासिल करे हैं, दोनों ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में वो लेकर आई हैं इंडिया के लिए। तो ये एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है उनका जिनके लिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड दो पैरा आर्चर्स की टीम गई थी, शीतल देवी एंड राकेश शर्मा, एज नेशनल आइकन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, PWDs पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो इलेक्शन कमीशन के आइकन डिक्लेयर करने का रीज़न होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल तीन मेंबर्स आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं दोनों वो भी इसी साल हमारे अपॉइंट हुए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले, सो वो भी इस साल के करंट अफेयर्स का पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है राजीव कुमार। दो जो बाकी अपॉइंट हुए थे, वन इज़ सुखबीर सिंह संधु, अदर इज़ ज्ञानेश कुमार। तो ये जो तीन लोग हैं ये तीनों मिलकर बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने नेशनल आइकन बना दिया है अभी दो पैरा आर्चर्स को कि जो लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके पास भी वोटिंग के अधिकार हैं। वो अगर वोटिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते तो कई बार वोटिंग उनके घर पर जाके उनसे कलेक्ट करके लाई जाती है। तो इन चीज़ों के लिए मोटिवेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के थ्रू। थर्ड हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अपॉइंटेड एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं अमरप्रीत सिंह, ही इज़ द फोर्थ सिख जो इंडियन एयरफोर्स के हेड अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली। जो आउटगोइंग इंडियन एयरफोर्स चीफ है उनका नाम है विवेक राम चौधरी, जिनका सुपर एनुएशन हो गया है, रिटायरमेंट हो गई है। तो अब जो ये थे ही वॉज डेप्टी, अब इनको अपॉइंट करके फर्दर पोजिशन पर हम लोग ले आए हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रॉम लास्ट टू वीक्स ऑफ सेप्टेम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, जिसका सेंटर गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके कर दिया है विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर जो नाम है इसका है हमारा ब्रिटिश बैकग्राउंड, ब्लेयर नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर इज़ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर जो है अब उसका हमने इंडियन ओरिजिन नाम रख दिया है विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल्स हैं वो विजयपुरम के एरिया में सिचुएटेड है, अब हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम भी विजयपुरम कर दिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इज़ अ यूनियन टेरिटरी तो ऑब्वियसली उसके सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो ये डिसीजन लिया है होम मिनिस्ट्री ने अंडर अमित शाह। जो बाकी के अभी और भी आइलैंड्स हैं जिनके थोड़े देर पहले कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, रॉस आइलैंड का नाम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड का नाम कर दिया शहीद द्वीप, एंड हैवलॉक आइलैंड का नाम हमने चेंज करके कर दिया था स्वराज द्वीप। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, जैसे एंशंट हिस्ट्री में चोला एम्पायर के अंडर आता था अंडमान एंड निकोबार का एरिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई, आज़ाद हिंद फौज का पहला तिरंगा 1943 ने सुभाष चंद्र बोस ने वहीं पर लहराया अंडमान निकोबार में। तो उस चीज़ को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान निकोबार के उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। आगे हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम फॉर इंडिया, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप है। अब ब्रिक्स की जो इस साल की प्रेसिडेंसी है वो है रशिया के पास। इस साल ब्रिक्स का 16th एडिशन हो रहा है, तो रशिया में देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कजान जहाँ पे रशिया ने ब्रिक्स का सेंटर चूज़ किया है। इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं कि जो फाइनल मीटिंग होगी जिसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ही इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग ओनली। अब उसी के अंडर एक और चीज़ ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था लिटरेचर फोरम। तो लिटरेचर फोरम में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हमारे जो ली गई थी डेलीगेशन गई थी उसको रिप्रेजेंट करना
करने के लिए गए थे साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट, और उनका नाम है माधव कौशिक। तो पहली चीज़ तो हम ये याद रखेंगे साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि वो गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी चीज़, जगह क्या है, काजान रशिया। थीम क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, क्योंकि रशिया जो है वो मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स की शुरुआत हुई 2006 में, इसमें तब 4 ही मेंबर कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में इसका एक्सपेंशन हुआ जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया, फिर ये बन गया ब्रिक्स, उसमें हमने एस को ऐड कर दिया। अब इस साल जनवरी में ब्रिक्स में फॉर्मली हम 5 नए मेंबर्स को ऐड कर चुके हैं। तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ होना शुरू हो गया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, दीज आर द 5 न्यू मेंबर्स। तो ब्रिक्स का फाउंडिंग ईयर इज 2006। ब्रिक्स के प्रेजेंट टोटल मेंबर कंट्रीज इज 10, और ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इस साल की हम बात करें 6 ब्रिक्स समिट जो हो रही है रशिया में, पिछले साल की 15th हुई थी साउथ अफ्रीका में, अगले साल की जो होगी दैट विल बी इन ब्राज़ील, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, आज हम बात करते हैं इंडियन सबमरीन्स के बारे में। इंडिया में मोस्टली हमारे पास डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं। दो तरह की सबमरीन्स होती हैं, डीजल पावर्ड एंड न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अंडर द सी बहुत लंबे टाइम के लिए रह सकती हैं। वहीं जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं उनको थोड़ी देर के बाद सर्फेस के ऊपर आना पड़ता है ड्यू टू नीड फॉर देयर ऑक्सीजन। तो इंडिया में देर आर 3 क्लास ऑफ सबमरीन्स, 3 अलग अलग तरह की सबमरीन्स हैं क्योंकि हमने अलग अलग जगह से उसकी टेक्नोलॉजी ली हुई है। फर्स्ट क्लास ऑफ सबमरीन इज शिशुमर क्लास सबमरीन, जिसमें हमारे पास टोटल 4 सबमरीन्स है जिसकी टेक्नोलॉजी जर्मनी के साथ इंडिया शेयर करता है। सेकेंड इज सिंधु घोष क्लास ऑफ सबमरीन, जिसकी टेक्नोलॉजी रशिया से हम लोगों ने ली है, जिसमें 7 सबमरीन्स आती हैं। थर्ड जो इंडिया की लेटेस्ट क्लास ऑफ सबमरीन्स है दैट इज कालवेरी। कालवेरी में टोटल वी हैव 6 सबमरीन्स, और इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया ने फ्रांस से ली है। अब सबमरीन में जाने से पहले, ऑफिसर्स को भेजने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कालवेरी क्लास सबमरीन्स के लिए एक ट्रेनिंग फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसका नाम है विनेत्रा। फैसिलिटी का नाम है विनेत्रा, और ये जो फैसिलिटी है इसको भी एक इंडियन नेवी शिप के ऊपर ही बनाया गया। उस शिप का नाम है सतवाहन। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक इंडियन नेवी शिप है, इंडियन नेवी का एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम कहते हैं सतवाहन। उसमें हमने कालवेरी क्लास ऑफ सबमरीन्स का ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है विनेत्रा, ठीक है। और ये जो विनेत्रा है इट वॉज़ बिल्ड बाय लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। तो ये चीज़ें हैं कुछ सबमरीन्स के बारे में आप याद रखेंगे। इंडिया के पास एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उसका नाम है INS अरिहंत। उसके अलावा ये जितनी हमने लिखी हैं 4, 7 एंड 6, ऑल दीज आर डीजल पावर्ड सबमरीन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23rd लॉ कमीशन, जिसको ऑपरेटिव कर दिया है गवर्नमेंट ने 1st of September से। लॉ कमीशन जो है इट इज़ अ नॉन स्टेचुरी बॉडी। नॉन स्टेचुरी बॉडी मतलब इसके लिए कोई भी एक्ट पास नहीं किया जाता, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास नहीं किया जाता, एंड लॉ कमीशन का कोई भी मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। लॉ कमीशन बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ विद अ नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसको गेजेट में दर्ज कर दिया जाएगा, और उसी नोटिफिकेशन के चलते लॉ कमीशन बना दी जाएगी। तो प्रेजेंट जो लॉ कमीशन बनाई गई है उसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा एंड देयर विल बी 4 अदर मेंबर्स। इसकी टेन्योर होगी 2027 तक, 3 साल का टेन्योर रहेगा इस लॉ कमीशन का। अब हर लॉ कमीशन को कुछ मुद्दे दे दिए जाते हैं डिस्कस करने के लिए कि आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन बिल्ड कीजिए और हमें बताइए कि क्या इसके लिए आपके रिकमेंडेशंस हैं। जैसे इस साल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इंडिया के सारे लॉज को एग्जामिन किया जाएगा इन प्रपोर्शन टू DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देन दे विल डिस्कस ऑन कि हम लोग डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कैसे बेटर कर सकते हैं। थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये लॉ कमीशन आने वाले 3-4 सालों में 2027 तक इन चीज़ों के ऊपर पूरा एनालिसिस करने वाली है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब वो फर्स्ट लॉ कमीशन के भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक है फर्स्ट लॉ कमीशन जो ओरिजिनली पहली बार बनी, जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 के अंडर बनी थी 1834 में, उसके अगले साल, और इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनी 1955 में अंडर देन अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम था MC सेतलवाड़।
तो ये दो लॉ कमीशन्स एक तो आप याद रखेंगे, प्रेजेंट लॉ कमीशन में कितने मेंबर्स हैं, बनाई कैसे जाती है, इनका काम क्या है, दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. नेक्स्ट हम बात करते हैं IDX 24 के बारे में, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन. इंडिया ने एक डिफेंस एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज किया था और ये एक हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज के साथ कंटेम्प्ररी हो गया था. उस एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति, जिसमें 28 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. तो ये जो एक्सपोजिशन है ये चला 3 दिन के लिए, 12, 13 and 14 of September. इसमें जो फोकस था गवर्नमेंट का, दैट वाज एडवांसमेंट ऑफ एविएशन सेक्टर, कि हम लोग डिपेंडेंट हैं स्पेशली फॉर एयरक्राफ्ट, वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. अपाचे, चिनूक, ये सारी चीज़ें हम अमेरिका से ले रहे हैं और बाकी भी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हम रशिया से ले रहे हैं. तो उस चीज़ को डिपेंडेंसी को हम कैसे कम करेंगे, कैसे हमारी एयरफोर्स उस चीज़ में एडवांसमेंट लाने वाली है, दिस वॉज वॉट वॉज डिस्कस्ड इन IDX. ठीक है, दूसरी चीज़, तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया है. मल्टीलेटरल से मतलब है मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करने के लिए आती हैं. 28 कंट्रीज ने तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट किया और इसको होस्ट इंडिया ने किया, ये इंपॉर्टेंट है. दो फेजेस में हुई थी, फर्स्ट फेज वॉज इन तमिलनाडु सुलूर में और जो इसका सेकेंड फेज है वो इस टाइम इसी सारे के साथ चल रहा था इन जोधपुर. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, IDAX क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या है, दूसरा कहाँ हुआ, ऑब्वियसली जोधपुर, एंड सेकंड इज तरंग शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट एयरफोर्स एक्सरसाइज ऑफ इंडिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेयरमैनशिप ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस. 1979 में एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करी एशियन कंट्रीज़ ने जिसमें 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसका एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर इज़ इन बीजिंग चाइना. ठीक है, 11 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जहाँ पे सभी कंट्रीज़ के चीफ ऑडिटर जनरल्स पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे इंडिया में उस पोजीशन को हम कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट अभी इंडिया को अपॉइंट किया गया है. तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली, एशिया लेवल पर होने वाली इंडिया के लिए अचीवमेंट है. सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ व्हाट, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इंडिया का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है वो एशिया के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन बन गया है आने वाले कुछ सालों के लिए, अप टू 2027. तो हमारे चीफ ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल एग्जिस्ट करता है 148 to 151. चीफ ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन अपॉइंट करता है इंडिया में, प्रेजिडेंट. और इसके लिए इनका टेन्योर रहता है 6 years or 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर. तो ऑल दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CAG के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, देर इज़ अ पावर शिफ्ट इन श्रीलंका. वाई आई एम सेइंग पावर शिफ्ट, बिकॉज ऑल द वे एक नई आइडियोलॉजी श्रीलंका की पॉलिटिक्स में एंटर हो गई है. तो श्रीलंका में बहुत सालों के लिए तो राजापक्षी फैमिली ने पूरा डोमिनेशन किया बहुत सालों के लिए. फिर उसके बाद जब रिसेशन आना शुरू हुआ कोविड में, तो सरकार गिरी, तो रानिल विक्रम सिंघे बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका. अब उनकी जगह भी एक नया जो रिक्रूटमेंट या एक नया इलेक्शन जो हुआ है श्रीलंका में, दिस पर्सन द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका इज़ बींग डिफाइंड एज मार्क्सिस्ट. He is a complete follower of socialism ideology under Karl Marx ideology जो आती है. तो यहाँ से जो power shift एक श्रीलंका में आया है, उसका इंडिया के impact के ऊपर अब कुछ impact पड़ना शुरू होगा. obviously the prime minister and president, इसके साथ, इन दोनों के साथ इंडिया ने कभी पहले deal नहीं किया है. these are all the way new candidates at national level जिन्होंने prime minister और president जैसी positions को hold किया है. तो जो प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं एट प्रेजेंट श्रीलंका के, उनका नाम है अरुणा कुमार. ही वॉज फ्रॉम नेशनल पीपल्स पार्टी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जिसको ये रिप्लेस कर रहे हैं रानिल विक्रम सिंघे. प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुई है, शी इज़ अ फीमेल, इनका नाम है हारिनी अमरसुआ. इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश जी को और ये थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका की. अब आपको पता होगा कि श्रीलंका की करेंसी और कैपिटल क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड श्रीलंका इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसके पास दो कैपिटल्स हैं. छोटी सी कंट्री है बट दो कैपिटल्स हैं. उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल इज़ डिफरेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल इज़ डिफरेंट. सो दैट इज़ योर जॉब, आप ढूंढिए कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.
आगे हम बात करते हैं चेस में इंडिया ने जो बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है। FIDE इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे चेस टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराती है। तो चेस ओलंपियाड 2 साल में एक बार होता है, जिसमें 2 कैटेगरीज में इंडिया गोल्ड हासिल करके आया है। पहली बार फर्स्ट कैटेगरी वॉज ओपन कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी वॉज वमेन कैटेगरी, दोनों में ही इंडिया गोल्ड लेकर आया है। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। तो ये ओलंपियाड इस साल हुआ था बुदापेस्ट हंगरी में। ओपन कैटेगरी में फर्स्ट आया इंडिया, सेकेंड आया यूएसए, थर्ड आया उज़्बेकिस्तान। और इसमें जो कंट्री फर्स्ट आती है, गोल्ड लेकर आती है, उसको जो कप मिलता है उसका नाम है हैमिल्टन रसल कप। कप के जो ऐसे ट्रॉफीज़ एंड कप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको स्पोर्ट्स में से पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो हैमिल्टन रसल कप एक तो आप याद रखेंगे, चेस के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा वमेन कैटेगरी में इंडिया फर्स्ट, सेकेंड इज़ कजाकिस्तान, हेयर इट इज़ कजाकिस्तान, एंड थर्ड इज़ यूएसए। और वमेन कैटेगरी में जो हम कप जीत के आए हैं, दैट इज़ वेरा मिंचिक कप। तो ये दोनों कप एक तो आप याद रखेंगे। तीसरी चीज़, चेस ओलंपियाड बायनियल है, 2 साल में एक बार होता है। और जो FIDE ऑर्गेनाइजेशन है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1924, हेडक्वार्टर इन लॉसेन, स्विट्जरलैंड। लॉसान से शायद आपको याद आया होगा, कोई और भी ऐसा ही स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर इज़ इन लॉसान। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी IOC जो ओलंपिक कमेटी कंडक्ट कराती है, उसका हेडक्वार्टर इज़ ऑल्सो इन लॉसान। तो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, FIDE, इन सब के हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश हियर, प्रेजेंट हेड, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। यही चीज़ें आपको स्पोर्ट्स के स्टैटिक्स में से पूछी जाती हैं। याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर FIDE एंड IOC का हेडक्वार्टर इज़ इन लॉसान। नेक्स्ट हम बात करते हैं FSSAI से की तरफ से एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, दैट इज़ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो उसका 6th एडिशन अभी उन्होंने लॉन्च किया है। FSSAI इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हर एक फूड आइटम के ऊपर स्टैंप लगा के हमें ये श्योरिटी देता है कि ये फूड जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को पूरा करता है। फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट आई है, दैट इज़ केरला, सेकंड इज़ तमिलनाडु, थर्ड इज़ जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट सबसे आगे आई है वो है नागालैंड, जो ओवरऑल 13th रैंक पर है। और यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे रहे हमारा जम्मू कश्मीर, एंड सेकंड वाज चंडीगढ़। फूड सेफ्टी FSSAI जो है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट पास हुआ होगा, तो जिस एक्ट पास होने के बाद ये बनी है, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। FSSAI वॉज फाउंडेड इन 2008 इन न्यू दिल्ली, एंड एट प्रेजेंट उसको हेड कर रही हैं अपूर्वा चंद्रा। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर कि FSSAI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि FSSAI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन 2.0। वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया की है, कभी डेनमार्क की हुआ करती थी, बट अब यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो 2.0 मतलब इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन जो पहली बार इंडिया में आया था, दैट वॉज इन 1970s, जिसकी शुरुआत हुई अमूल से। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी गुजरात में अमूल के नाम से, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, उसको मार्केट किया गया एक सही तरीके से, और सारे फार्मर्स को उसके साथ कनेक्ट किया गया। तो एक तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है कि वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, एंड फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज़ वर्गिस कुरेन, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। नेशनल डेयरी बोर्ड जब एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले प्रेसिडेंट बने थे वर्गिस कुरेन। तो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन इज़ वास्टली एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ अंडर अमित शाह, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, जो उन्होंने शुरू किया गुजरात में, अब उसको उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च कर दिया है, ताकि हम इंडिया में एक नया वाइट रेवोल्यूशन ला सकें डेयरी फार्मर्स के लिए। और डेयरी सेक्टर ऑफ इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, आने वाले 5 सालों में हम मिल्क की प्रोडक्शन को 50% से बढ़ाना चाहते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन है 660 लाख लीटर्स पर डे, हम इसको आने वाले 5 सालों में 1000 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी तक लेके जाना चाहते हैं। नई गवर्नमेंट कुछ मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बनाएगी, और उनके थ्रू फिर इंडिया में हम डेयरी जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट इज एन इंटरनेशनल न्यूज, जॉर्डन बन गया है दुनिया की वो पहली कंट्री जिसको WHO ने वेरिफिकेशन करके डिक्लेयर कर दिया कि जॉर्डन ने लेप्रोसी नाम की बीमारी को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया। पिछले 20 सालों में जॉर्डन में एक भी लेप्रोसी का केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वेरिफिकेशन के बाद WHO ने ये डिक्लेरेशन दिया है। आज भी लेप्रोसी दुनिया भर में कम से कम 120 कंट्रीज़ में पाई जाती है। लेप्रोसी नाम की बीमारी को इंडिया में हम लोग कोढ़ की बीमारी कहते हैं, जिससे हमारी स्किन खराब, लोगों की स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, जो पर्टिकुलरली इफेक्ट करती है स्किन को एंड पेरिफेरल नर्व्स को। तो ये जो बीमारी है ये मोस्टली फैलती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, सो इट इज़ पार्ट ऑफ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जिनको रिकोगनाइज करता है WHO। दिस इज़ दी लिस्ट ऑफ ऑल दी ट्रॉपिकल निगलेक्टेड डिजीज़। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आती हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया से कौन सी फैलती है, तो उसमें ही क्लासिफिकेशन आता है। तो यहाँ आपको नाम दिख रहा होगा लेप्रोसी का। लेप्रोसी जो है दैट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे नाम के एक बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है, स्किन और पेरिफेरल नर्व को इफेक्ट करती है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकली निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो WHO ऐसी कंट्रीज़ को ऐसी सारी चीज़ें करता रहता है। अब जैसे इंडिया बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व करने की और ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जैसे सिकल सेल एनीमिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, 2047 तक हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया चला रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो इंडिया चला रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो जॉर्डन कंट्री याद रखेंगे, दुनिया की पहली कंट्री है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर लिया है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ PVTG टू गेट हैबिटेट राइट्स। तो इंडिया में आपको पता है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इन 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड सम यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, इनमें से 705 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट रिकोगनीशन देती है ट्राइबल होने का। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनमें से भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनको सरकार नाम देती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो लोग हैं जिन तक आज तक डेवलपमेंट नहीं पहुंची है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, जो बिल्कुल हमारी कंट्री से बहुत ही कटे हुए जंगलों में रह रहे हैं। अब उन लोगों के पास हैबिटेट राइट्स नहीं है, वो लोग जंगलों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है वहाँ पर रहने का। उनके पास उनकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, किसी भी चीज़ का उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अब सरकार ने इन PVTGs में से कुछ कम्युनिटीज़ को ढूंढ के उनको हैबिटेट राइट्स देने शुरू करे। तो ऐसे ही ओडिशा में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है मनकीदिया कम्युनिटी। इट इज़ अ सेमी नोमैडिक सेक्शन ऑफ बिरहोर ट्राइब ऑफ ओडिशा। ओडिशा की एक ट्राइब है बिरहोर, उसके अंदर एक कम्युनिटी आती है मनकीदिया। ये बन गई है इंडिया की 6th PVTG जिसको सरकार ने हैबिटेट राइट ग्रांट किया है। जिस फर्स्ट कम्युनिटी को ये हैबिटेट राइट दिया था उसका नाम था भारिया कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश, देन सेकंड वाज कमार एंड बैगा, ये दोनों छत्तीसगढ़ की थी और इनको हैबिटेट राइट्स भी साथ में ही दिए गए थे। तो यहाँ पे एक एक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जो इन कम्युनिटीज़ के हैबिटेट राइट्स को कंसिडर करता है। 1975 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देबर कमेटी इंडिया ने इनको हैबिटेट राइट्स ग्रांट करने शुरू किए, ठीक है, और PVTGs को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। तो इंडिया में इनिशियली देवर 52 PVTGs, अब 75 हो चुके हैं। टोटल कितनी कम्युनिटीज़ हैं? 705। उनमें से PVTG कितनी हैं? 75, जिनमें से हैबिटेट राइट्स कितनों को मिले हैं? 6 कम्युनिटीज़ को, एंड दिस इज़ द 6th कम्युनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। 17th of September प्राइम मिनिस्टर हम मोदी जी का बर्थडे होता है, और इस साल इट वॉज 74th बर्थडे। ही वॉज बॉर्न इन 1950 गुजरात। तो इस दिन BJP ने लॉन्च किया था सेवा पर्व, सेवा पर्व एज इन डेडिकेशन टू, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्वभाव है वो बहुत ही सेवा भावना वाला है, तो उनको डेडिकेट करने के लिए पूरी कंट्री में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, ऐसी सारी चीज़ें करी गई। 2023 में विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी थी उन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर, तो इसको हम विश्वकर्मा दिन भी, आपने देखा होगा पूरा दिन 17 सितंबर को इसको विश्वकर्मा दिन का नाम भी दिया गया। तो विश्वकर्मा हम गॉड ऑफ आर्किटेक्चर को कहते हैं, तो उनको डेडिकेट करने के लिए इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी विश्वकर्मा योजना, जो ऐसे ही आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, उनको मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी सपोर्ट देता है, सो दैट इज़ विश्वकर्मा स्कीम। तो इस साल इस स्कीम में एक नया इनिशिएटिव आया है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कंपनी फैब इंडिया। फैब इंडिया ने
कोलैबोरेशन किया है विश्वकर्मा स्कीम के साथ कि स्कीम के अंडर जो भी चीज़ें आर्टिस्ट बनाएंगी उनकी मार्केटिंग करने का काम फैब इंडिया करेगा. सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट इन विश्वकर्मा स्कीम. स्कीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. उससे पिछले बर्थडे में अगर हम जाएँ तो पहली बार इंडिया में चीतास का री इंट्रोडक्शन हुआ था और इतना बड़ा ट्रांसलोकेशन अभी तक इंटर कॉन्टिनेंट कहीं पर भी नहीं हुआ था जो इंडिया ने करा था. साउथ अफ्रीका से, नमीबिया से हम लोग कुछ चीतास को इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में लेकर आए थे. उसके बाद से इंडिया प्रोजेक्ट चीता चला रहा है. उससे पहले इंडिया में चीतास ख़त्म हो चुके थे, अब हम उसको रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पिछले तीन बर्थडेज का मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नई चीज़ें इंडिया में लॉन्च हुई हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज इंजीनियर्स डे. इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्वड ऑन 15th of September और इंडिया के अलावा दो और कंट्रीज़ हैं जो ये डे को ऑब्जर्व करती हैं. फर्स्ट इज तांजेनिया एंड सेकेंड सच कंट्री इज श्रीलंका. बेसिकली नेशनल इंजीनियर्स डे इज बर्थडे ऑफ एम विश्वेश्वरैयन. इनका पूरा नाम है सर एम विश्वेश्वरैयन. तो सर आपको पता है इट इज़ अ टाइटल दैट इज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और इस टाइटल को कहते हैं नाइटहुड देना. तो ब्रिटिश सरकार जिसको नाइटहुड दे देती है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है. भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको 1955 में. इनको हम इंडिया में रिकोगनाइज करते हैं एज फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया. इन्होंने कर्नाटका और तमिलनाडु के जो साइड के एरियाज हैं, सदर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, उसमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ और डैम बनाने की बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन करी थी, इसीलिए हम इनको फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया कहते हैं. भारत रत्न अवार्डी हैं तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके रिलेटेड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्वड ऑन 16th of September. ओजोन आपको पता है एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के ऊपर आने से रोकती है. एंड ऑल्सो देर इज़ अ बैड ओजोन जिसको हम पॉल्यूशन का पार्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वही ओजोन की, दैट ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. तो ओजोन के लिए कन्वेंशन हुई थी 1985 में. फर्स्ट ओजोन होल हमने डिस्कवर किया. 1987 में वियना कन्वेंशन हुई रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन. फिर इसके अंडर प्रोटोकॉल साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 1989. इंडिया इज़ अ पार्टी टू इट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें मेनली आता है CFC, उसके एमिशन को कम करने की बात करी. तो इस साल का जो हमारा थीम था दैट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज हिंदी दिवस 14th of September. इस साल 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें हिंदी को अडेप्ट किए एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 1949 में 14th of September को ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगा हिंदी. तो हिंदी को हमने डिक्लेयर कर दिया. इस साल इस डेट से हमें 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं. लेकिन ड्यू टू सम प्रोटेस्ट एंड ड्यू टू सम रीज़न हमने 15 साल के लिए इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इंडिया में सब लोगों को हिंदी नहीं आती है. जब 15 साल पूरे होने को आए तो दोबारा से डिबेट शुरू हो जाती है कि इंग्लिश रखेंगे, हिंदी रखेंगे या कौन सी लैंग्वेजेस रखेंगे. तो इंडिया ने एक्ट पास किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जो दोनों लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज करता है, हिंदी एंड अलोंगसाइड इंग्लिश ऑल्सो. तो ये सारा सिग्निफिकेंस है हिंदी दिवस के रिलेटेड जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है 14th of September. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया भर में 5 अलग अलग तरह के राइनो की स्पीशीज़ मिलती हैं. यू कैन सी इट हेयर, ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो, ये दोनों अफ्रीका की स्पीशीज़ हैं. ठीक है, इनमें से जो वाइट राइनो हैं, अफ्रीकन वाइट राइनो, ये दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स हैं. लार्जेस्ट लैंड मैमल इज़ एलिफेंट, ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल हैं दिस वाइट राइनो. तो ये ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो, ये दोनों मिलते हैं अफ्रीका में. बाकी की बची जो तीन स्पीशीज हैं, सुमात्रन, जावन राइनो एंड इंडियन राइनो. इंडियन राइनो को हम कहते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो. और इंडियन राइनो, इंडिया में 70% पॉपुलेशन ऑफ राइनो इज़ इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम. 70%. तो काजीरंगा नेशनल पार्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे पास बाकी की दो स्पीशीज़ हैं, सुमात्रन जो राइनो है ये सबसे छोटी स्पीशीज़ होती है राइनो की. और जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं लेसर वन हॉर्न राइनो, इसको हम कहते हैं जावन राइनो, और ये रेयरेस्ट लार्ज मैमल की स्पीशीज़ में काउंट होता है. तो ये इन पांचों की एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. और ये राइनो एट प्रेजेंट दुनिया में 28,000 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ स्पीशीज़ थोड़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, अदरवाइज इट इज़ फाइन. इंडिया में भी हमारे पास अब 10,000 से ज़्यादा ही राइनोज की स्पीशीज़ अवेलेबल हैं. तो वर्ल्ड राइनो डे इम्पॉर्टेंट है. हमारा एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जिसने इस डे को रिकोगनाइज करना शुरू किया था.
चलिए लास्ट हम बात करते हैं ऑन द बेक, एक क्विक कुछ फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड जो न्यूज़ में आए हैं. फर्स्ट इज़ मध्य प्रदेश की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन कंडक्ट कराया जिसमें बिल्कुल भी पेपर का यूज़ नहीं किया गया. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत के और स्टेट लेवल के इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराती है, तो मध्य प्रदेश में एक विलेज में बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बना लिया फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शंस ऑफ इंडिया का. सेकंड इज़ आतिशी सिंह, ये दिस इज़ अ वेरी फेमस न्यूज़ आई यू मस्ट हैव सीन. शी बिकेम 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर अरविंद केजरीवाल रिजाइन फ्रॉम हिज पोजिशन. शी इज़ द 3rd वमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. इससे पहले जो दो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं वमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो हैं शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज, एंड शी इज़ द 3rd इन दैट कैटेगरी. और एट प्रेजेंट में इंडिया में सिर्फ दो स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं जिसमें फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी एंड सेकेंड इज आतिशी नाउ. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड. और आर्टिकल है 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को कि वो यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट कर सके. तो 239 के अंडर ही जो पावर है उसी पावर के चलते प्रेसिडेंट ने इसको चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट दिया है. थर्ड इज इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ US लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क. तो US ने 2022 में एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में वर्ल्ड ओवर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या फिर जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम जैसे जो मिनरल्स हैं जो आने वाले टाइम में ईवी सेक्टर को प्रमोट करने वाले हैं, ईवी बैटरीज बनाने में यूज़ होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, तो इन सब का जो रेगुलेशन है, उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं, उसके रिलेटेड जो फाइनेंस है उसको रेगुलेट करने के लिए ये US ने इनिशिएटिव लिया था. अब इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है ताकि इंडिया भी उसका पार्ट बन सके. जैसे इंडिया में भी हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं नए, तो उसका हम एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू चेन्स और फाइनेंस होना चाहिए. वो फाइनेंस अवेल करने में और हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एस्टेब्लिश करने में ये हमारी हेल्प करेगा. सो दिस वॉज ऑल योर करंट अफेयर्स अबाउट 3rd एंड 4th वीक ऑफ सेप्टेम्बर.